हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या टेम्परेचर पर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विस्कोसिटी किसको कहते हैं या विस्कस फोर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे हर एक वीडियोस में एग्जाम्पल के जैसा समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी ने क्या एक नदी को देखा होगा, कोई भी नदी, ठीक है। तो ये उस नदी का पहला लिक्विड का लेयर है, ये नदी का सबसे निचला हिस्सा है, ये पहला लेयर है। इसके ऊपर का ये दूसरा लेयर है, इसके ऊपर का ये तीसरा लेयर है, ठीक है। मान लिया जाए पहला लेयर जो है जिसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। दूसरा लेयर जो है ये हम लोग मान लिए कि 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या फिर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं तीसरा लेयर जिसको हम लोग मान लिए कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तीनों लेयर को, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, ठीक है, तीनों लेयर को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पहला जो होगा वह स्पीड कम होगा उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो ज़मीन का निचला हिस्सा होता है उसमें पत्थर हो सकता है, बालू हो सकता है, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस फ्रिक्शन के कारण वो उसका स्पीड जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रगड़ाते हुए उस ट्रैवल करता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी होगा जो वो कम होगा, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। जब दूसरा लेयर का बात करेंगे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना ये ऊपर लेयर जाता जाएगा उसका स्पीड ही उतना तेज होते जाएगा, ठीक है। तो तीसरा लेयर जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा लेयर और तीसरा लेयर है इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। दूसरा लेयर जो है वो बोलेगा तुम मेरे से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से क्यों चल रहा है, क्यों ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला जो लेयर 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है उसको चाहेगा कि हम उसको अपने साथ लेकर के चलें कि 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो ट्रैवल करे कि मेरे साथ, मेरे से ज़्यादा स्पीड पर क्यों होगा। यहाँ पर डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे से लोग खींचते हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिस लेवल में हम हैं उसी लेवल में वो मेरे साथ में चले। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि जो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो उससे ऊपर वाला लेयर को चाहेगा कि वो मेरे साथ में चले, वो ज़्यादा स्पीड से क्यों बहेगा, ठीक है। तो इसमें एक क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगता है जिसको वो खींचता है अपनी ओर कि वो 3 मीटर पर सेकंड से ही ट्रैवल करे। लेकिन ये ऊपर वाला लेयर जो होता है वो फ्रीडम होता है, फ्रीली मूव करता है, फ्रीली ट्रैवल करता है, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इसमें क्या लगता है, इन दोनों में एक विस्कस फोर्स लगता है, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में एक विस्कस फोर्स लगता है, उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। और इस पूरे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। ये स्टार्टिंग वीडियो में जब मैंने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था तभी ये मैंने बता दिया था। आज इस नए टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ विस्कोसिटी क्या होता है उसको बताने के लिए मैंने इतना आप लोगों को समझाया, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है, आज हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ पढ़ें जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जो मेरे वीडियो में पिछले वीडियो में नहीं थे उनको दिक्कत होता समझने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ तक थोड़ा सा पीछे आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लिक्विड लिए हुए हैं और एक ग्लास में क्या लिए हैं, गैस लिए हुए, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ना, लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है जो बहुत ही क्लोज होता है ना, लिक्विड के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है ना। और गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा दूर दूर में होता है, ठीक है। गैस का जो मॉलिक्यूल्स है क्या होगा, वो थोड़ा दूर दूर में होगा, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा दूर दूर में, पूरा यहाँ पर फील कर देना है इसको, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा, और ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होगा बहुत ही क्लोज होगा, है ना। देखिए अब हम इसको हीट कर रहे हैं,
नीचे से हिट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हिट कर दिए। जब यहाँ से इसको हम लोग हिट किए तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोज था, दो मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज था, तो क्या हुआ, जब हम लोग इसमें हिट दिए, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो ये दो मॉलिक्यूल्स जो है, जो सामने सामने था, वो क्या करता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। जितना ही हिट देंगे उसको, वो उतना ही टूटने लगेगा, ठीक है। जब वो टूटने लगेगा तो टेम्परेचर को क्या करेगा, जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या कर रहा है, टूटते चला जा रहा है, और उसके बीच का जो वेलोसिटी है वो दूर होते जा रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स क्या किए, जब हिट दिए तो देखिए यहाँ पर दूर दूर हो गया दोनों मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। जितना उसको हम लोग हिट देंगे उतना ही वो क्या करेगा, दूर जाते जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर ले लिए, ठीक है, टेम्परेचर, और यहाँ पर हम लोग विस्कोसिटी ले लिए, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट किए। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जब टूटते जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि देखिए विस्कोसिटी जो होगा वो टूटते, मतलब कि डिक्रीज करते जाएगा, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका म्यू जो होगा, मतलब विस्कोसिटी जो होगा, वो डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट, ये तो हो गया लिक्विड के केस में, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लिक्विड के बारे में भी और गैस के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब गैस के बारे में आते हैं हम लोग, अब हम लोग को लिक्विड समझ में आ गया कि जितना भी टेम्परेचर हम लोग इसको देते जाएंगे उतना ये क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, कौन, विस्कोसिटी डिक्रीज करते जाएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गैस के केस में। जब गैस का केस में हम लोग हीट देते हैं तो ये तो हम लोग जनरली देखते होंगे लिक्विड के केस में, फ्लूड के केस में, जब आप लोग गाड़ी में मोबिल डालते होंगे उस समय, तो उस समय भी आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग गैस, जब गैस को हीट करेंगे तो ये हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि गैस तो आपका पैक्ड होता है ना सिलेंडर के अंदर में। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग हीट करेंगे, जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, कि कभी यहाँ चल जाता है तो कभी यहाँ पे, तो ये मतलब फिक्स कहीं जाता नहीं है, ये ट्रैवल करने लगता है इधर उधर, जिगजैग पाथ में ट्रैवल करने लगता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना के समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। टेम्परेचर, ये क्या है टेम्परेचर, ये क्या है म्यू है, ठीक है। तो जब क्या होगा कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो भी इसमें इंक्रीज करेगा। क्यों ऐसा होगा, तो देखिए यहाँ पर हीट देने से मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो रहा है, उसी जहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स था उसमें भी क्या करने लगेगा, ये ट्रैवल करने लगेगा जिगजैग पाथ में, कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसका विस्कोसिटी जो होगा वो भी साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। देखिए दोनों को अब हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये लिक्विड के केस में होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है, जब उसको हम लोग हीट देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर होने लगता है, ठीक है। जब क्लोज मॉलिक्यूल्स था वो दूर दूर होने लगता है। तो देखिए इसका ग्राफ यहाँ पर है, टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो कम होने लगेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा लिक्विड के केस में स्पेशली। जब गैस के केस में आते हैं हम लोग, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो, उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कुछ दूर दूर होता है लिक्विड की अपेक्षा में, है ना, कुछ दूर दूर होता है। तो जब हम लोग इसमें हीट देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या करने लगता है, जिगजैग पाथ में मूव करने लगता है, ट्रैवल करने लगता है, ठीक है। जिसमें इसमें जस्ट उल्टा होगा कि म्यू अगर, सॉरी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो म्यू भी आपका बढ़ेगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या करेगा, आपका वेलोसिटी भी जो होगा, विस्कोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी था। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जो बेसिक चार पाँच लाइनों में आपका खत्म हो जाएगा, मेन समझना यही था, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, ठीक है। इस फिगर को आप लोग को याद रखना, लास्ट में इस फिगर को हम लोग बना लेंगे और इसका ग्राफ भी बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों केस आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और लास्ट में फिगर भी आप लोग चाहोगे तो ये फिगर जो मैंने बताया उसको भी हम लोग बना लेंगे, ताकि आगे कभी अभी आप लोग कॉपी खोलो तो दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए डिफिनेशन लिखते चलना साथ साथ। दी विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड
द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये स्पेशली किस केस में है? लिक्विड के केस में। ठीक है, यहां तक हो गया आपका लिक्विड के केस में। चाहोगे तो आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, है ना। चलिए हम लोग पैराग्राफ चेंज करके ही लिखते हैं ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा आप लोग क्या करोगे, साथ में आप लोग लिखते चलोगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है ना, ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आप लोग को नहीं आया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं समझाता हूँ, फिर कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अभी हम फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये किसके लिए है? लिक्विड केस के लिए, है ना, और हम लोग यहाँ पर गैस के केस के लिए बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही क्लोज होता है ना। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत ही क्लोज होता है। और ये गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कुछ दूर दूर रहता है, किसकी अपेक्षा में? लिक्विड की अपेक्षा में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर को हम लोग जब इसमें लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि इसका जैसे हीट दे रहे हैं इसका मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? टूटना स्टार्ट कर रहा है और दूर दूर जाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से गैस के केस में देखते हैं हम लोग, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है? जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखना है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो आपका डिक्रीज क्या कर रहा है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, किसका विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा? तो लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये हो गया लिक्विड के केस के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट अब हम लोग आते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। यहाँ पर दो केस है, एक लिक्विड के लिए और एक गैस के लिए। कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, लिक्विड और गैस दोनों के अलग अलग है। ठीक है, जब लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका लिक्विड का विस्कोसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब गैस का टेम्परेचर को आपका इंक्रीज करा रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं तो डिक्रीज कौन कर रहा है? विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। क्या कर रहा है आपका? जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो विस्कोसिटी जो होगा वो आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट, है ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को भी अपलोड किया है, और भी सारे इससे पहले भी यूनिट्स, जितने भी सारे यूनिट्स हैं मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी अपडेट्स हैं, नए नए वीडियोस हैं, आप लोग तक पहुँचे और आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।